नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री का खास वीडियो। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस पे। जी हां, वही कोरोना वायरस जिसने दुनिया भर में तहलका मचा रखा है। चीन में 300 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बन रहे हैं डॉक्टर आशुतोष। आप MBBS MS MCH हैं, एम्स के प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं और इस वक्त मेट्रो अस्पताल में कार्यरत हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू इला। सर, सबसे पहले मैं कोरोना वायरस पे आना चाहूंगी। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि इसका कोई क्योर ही नहीं है, अगर किसी को हो गया तो सिर्फ मौत ही है? कोरोना वायरस एक कोरोना ग्रुप ऑफ फैमिली है वायरस का, जो कि एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों को इन्वॉल्व करता है। 2012 में इसकी कोरोना ग्रुप वायरस की एपिडेमिक मिडिल ईस्ट में हुई थी, जिसमें काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हो गए थे। और इस वायरस की एक विशेषता है कि ये चेंज होता रहता है, इसका DNA जेनेटिक मटेरियल चेंज होता रहता है। ये 2019 कोरोना वायरस है, इट मीन्स कि जो वायरस 2012 में आया था कोरोना ग्रुप का, उसकी मेडिसिन इसके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होंगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि ट्रीटमेंट में कोई एंटीवायरल ड्रग कोई अभी ऐसा नहीं है जिससे कि इस वायरस को डेफिनेटली किल किया जा सके। सर, एक बहुत बहुत बड़ा सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे काफी चक्कर काट रहा है। सवाल वो ये है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से आप ठीक ही नहीं हो सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होता है। जो भी वायरल इलनेसेज होती हैं सेल्फ लिमिटिंग होती हैं। सेल्फ लिमिटिंग मीन्स इसके अगेंस्ट एग्जैक्ट कोई मेडिसिन नहीं है जो कि वायरस को किल कर पाए, लेकिन कुछ टाइम बाद जो इसका साइकिल होता है वायरस का, उसके बाद इसके सिम्टम्स अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, 3% मॉर्टेलिटी होती हैं, ऑलमोस्ट 20-30% कॉम्प्लिकेशन रेट होते हैं। आउट ऑफ ऑल पेशेंट अराउंड 30-40% में निमोनिया हो सकता है। उसमें आउट ऑफ ऑल पेशेंट एडमिटेड पेशेंट 20% में, जिसे हम बोलते हैं सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या ARDS बोला जाता है, एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है, वो हो सकता है। ओवरऑल मॉर्टेलिटी 3% होती है, मीन 97% लोग तो अपने आप ठीक ही हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन जब तक हमारे पर वायरस का इफेक्ट रहता है, उस ड्यूरेशन के लिए हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है, पेशेंट को लाइफ सपोर्ट पर रखना होता है कि जब तक वायरस का इफेक्ट अपने आप जाता है, पेशेंट जीवित रहे और हम पेशेंट को ठीक कर पाएं। सर, हमारी सारी जो जनता है वो जानना चाहती है कि आखिर इस वायरस के संक्रमण के लक्षण क्या है। अगर आपको हो गया है ये संक्रमण तो क्या लक्षण शुरुआत में दिखाई देंगे? आपको पहले ये समझना होगा कि इस वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 4 to 7 days होता है। 4 to 7 days में ऑन एन एवरेज, अगर आज मैं इन्फेक्ट होता हूँ तो आफ्टर 4 to 7 days सिम्टम्स मेरे पास सिम्टम्स आएंगे। बट इट रेंज फ्रॉम 2 to 14 days, मीन्स एज अर्ली एज 2 days में भी सिम्टम्स आ सकते हैं और एज लेट एज 14 days तक आ सकते हैं। इसलिए जब भी कोई सस्पेक्टेड केस होता है, उसे हमें आइसोलेशन में रखना होता है, क्वारंटाइन में रखना होता है, तो उसे हम 14 days के लिए रखते हैं। सिम्टम्स माइल्ड फीवर से स्टार्ट होकर सीवियर सेप्टिक स्ट्रोक और एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, मीन्स सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस एंड डेथ, यहाँ तक सिम्टम्स हो सकते हैं। यूजली जो इनिशियल सिम्टम्स होता है, सिंपल फ्लू की तरह सिम्टम होते हैं, पेशेंट को फीवर होगा, कफ होगा, सोर थ्रोट होगा, पेशेंट को गला ख़राब होगा, जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिम्टम, मीन जो हमारे रेस्पिरेशन होता है, ट्रैक होता है, उसमें जो अपर पार्ट होता है, जो ट्रैकिया तक होता है, उसको इन्वॉल्व करता है। लेटर ऑन जब सीवियरिटी बढ़ती है तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिम्टम्स आते हैं, जैसे निमोनिया के, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पे आप देखेंगे पेशेंट का ब्रीदिंग रेट बहुत बढ़ जाएगा। ब्रेथ रेट जो नॉर्मली 12 टू 16 होता है, उसमें 30-40 पर मिनट हो सकता है। डिस्निया मींस पेशेंट को जिस बोलेगा उसकी सांस फूल रहा है। अच्छा। पेन हो सकता है सांस लेने में। एंड अगर निमोनिया डेवलप होता है, जिसे बोलते हैं कि लंग्स में कंसोलिडेशन होता है, उससे चेस्ट पेन भी हो सकता है और सीवियर सांस लेने में परेशानी होगी। सर, चाइना ही नहीं, सारी दुनिया इस कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा डर रही है, ऐसा क्या है इस वायरस में, इतना क्यों डर पैदा हो रहा है? देखिए, डरने की चीज़ है कि इट इज़ वेरी कंटाजियस। कंटाजियस मींस सपोज मुझे वायरस में इन्फेक्टेड हूँ, कुछ स्ट्रेन्स ऐसे होते हैं जिनका इन्फेक्शस रेट कम होता है, वो इजीली दूसरे को नहीं होता। अच्छा। लेकिन कुछ स्ट्रेन्स ऐसे होते हैं कि जिनका इन्फेक्शस रेट बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मली मोस्ट कॉमनली ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होता है, मींस अगर मैं टॉक कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स मेरे माउथ से निकलेंगे वो अप टू 6 feet, लगभग 6 feet के डिस्टेंस पर जो भी पर्सन होगा वो उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है
कंजक्टाइवा एंड ओरल कैविटी से। सपोज मैंने हैंड शेक किया एंड वो पर्सन इन्फेक्टेड है, उसके हैंड से मेरे हैंड पर वायरस आया, मैंने उसे आँखों में लगाया, आँखें साफ़ की या माउथ पर ले गया, तो उससे मुझे इन्फेक्शन हो सकता है। सपोज़ जिसको इन्फेक्शन है उसने कोई डोर हैंडल टच किया, उससे सेकंड पर्सन जिसने डोर ओपन किया उसके हाथ पर वायरस लग गया। ये तो हम डे टू डे रूटीन में करते हैं। बिल्कुल, और उससे आपके माउथ पर आ गया। लेकिन जो मोस्ट कॉमन स्प्रेड है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से है। तो कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आपके घर में कोई भी किसी भी प्रकार के वायरस से इन्फेक्टेड है तो अपने हाथ साफ रखिए, उसको एक अलग कमरे में रखिए और इस संक्रमण से बचने की कोशिश करिए। बाकी इस वीडियो को देखिए और आपको पता चलेगा कि कौन कौन से लक्षण हैं जो कोरोना वायरस के हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर आशुतोष ने हमें बताया है कि कैसे आप इस वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं। धन्यवाद।